ये साइकिल के ऊपर मेरी ख्याल से आपको 9 से 10 हज़ार तक का लोन भी जो है बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन इसी कांजी बड़े बेचने वाली साइकिल के ऊपर आपके 13 लोन कट जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार दिल के अंदर धक्का लगेगा ना। ये मामला देखिए, रामचंद्र भंडार हमारे हिसार के आनपान चालक के सामने ये कांजी बड़े की एक साइकिल के ऊपर स्टॉल लगाते हैं, उनको पता लगता है कि रातों रात उनके अकाउंट से 13 लोन ले लिए गए। आपको पता लगा कि आपके ही पैन कार्ड से आपके ही अकाउंट के ऊपर 13 लोन लिए जा चुके हैं, तो कैसा लगा सुन करके? ये साइकिल के ऊपर कांजी बड़े बेचने के बाद आपको 13 लोन लेने की नौबत आएगी, तो बहुत बड़ा स्कैम ये नजर आने वाला है, क्योंकि कांजी बड़े की रेड़ी लगाने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड इस्तेमाल करके 12 से 13 लोन लिए गए हैं, वो भी अलग अलग बैंक से। क्या किसी से आपकी रंजीश है या फिर कोई साइबर कैफे के अंदर आपका कोई जानकार हो? नमस्कार, सिटी विग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। क्या आपने सुना है कि जैसे ही आप अपना पैन कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करवाते हैं, वैसे ही आपके अकाउंट से 13 लोन ले लिए जाते हैं? जी हाँ, ये साइकिल देख रहे हैं आप, ये साइकिल के ऊपर मेरी ख्याल से आपको 9 से 10 हज़ार तक का लोन भी जो है बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन इसी कांजी बड़े बेचने वाली साइकिल के ऊपर आपके 13 लोन कट जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार दिल के अंदर धक्का लगेगा ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो रही। और ये मामला देखिए, रामचंद्र भंडार हमारे हिसार के आनपान चालक के सामने ये कांजी बड़े की एक साइकिल के ऊपर स्टॉल लगाते हैं, उनको पता लगता है कि रातों रात उनके अकाउंट से 13 लोन ले लिए गए, और वो भी कौन सा बैंक? सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि ना, पूरा का पूरा मामला क्या है वो पवन से ही जानते हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए कि क्या कभी सोचा था कि साइकिल के ऊपर कांजी बड़े बेचने के बाद आपको 13 लोन लेने की नौबत आएगी? ठीक है, आपको बता देती हूँ, एक आम इंसान कभी भी लोन लेने के बारे में नहीं सोचता। 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का लोन भी लेता है ना, तो फिर के अंदर रातों रात टेंशन रहती है, 365 दिन टेंशन रहती है कि कैसे EMI भरेंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने 2019 के अंदर 10,000 का लोन लिया बैंक ऑफ बड़ौदा से, 2020 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा से 10,000 का लोन लिया था, और उसकी EMI कितने महीने में भर ली आपने? 9 महीने में आपने कंप्लीट कर दिया। 1 साल का बस था उसमें और मैंने 9 महीने में उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब आपको पता लगा कि आपके ही पैन कार्ड से आपके ही अकाउंट के ऊपर 13 लोन लिए जा चुके हैं, तो कैसा लगा सुन करके? बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे को कोई 13 लोन कौन दे सकता है मेरे को, और कोई पर्पज भी होगा किसी को लोन देने का? बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, हज़ारों सवाल पूछते हैं किसने लोन दे दो, क्या मतलब है? और जब मैंने अपने सिविल स्कोर में देखा कि मेरे नाम पर 13 लोन इशू है, मुझे ये बताइए दिन के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं? क्या सिर्फ यही कांजी बड़े की रेडी लगाते हैं या फिर कोई और काम भी करते हैं? वो आप मेरे से ले लो और 20 का आप मेरे को दे दो, तो वो बोला जी कर देंगे, आप ये कर दो बची हुई अमाउंट। तो मैंने 29 लोगों को बची हुई अमाउंट जो है मैंने भर दी, और उसके बाद उन्होंने मेरे से जो दस्तावेज मांगे मैंने उनको दस्तावेज दिए, और देने से पहले उन्होंने मेरा जो सिविल चेक किया तो उसके ऊपर ये सारा वाक्य निकल गया। भाई जब भी हम किसी बैंक के अंदर जाते हैं ना, 2,000 का, 5,000 का भी लोन ले, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके घर का स्टेटस चेक किया जाता है, आपकी जॉब चेक की जाती है, वेरिफिकेशन होती है, कितनी सैलरी है ये चेक की जाती है, सब कुछ चेक किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद ही लोन दिया जाता है। और मुझे ये बताइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपने क्या सोच करके अकाउंट खुलवाया था कि ये सरकारी बैंक है, कहीं ना कहीं जो है आपको सेफ्टी मिली?
मिलेगी, यही सोच करके दिलाएगा। अच्छा ये बताइए, अब जब सरकारी बैंक के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड होने लग जाए, और सरकारी बैंक का नहीं है ये, इसमें अलग अलग बैंकों से लोन लिया गया है मेरे पैन कार्ड के ऊपर, बजाज फिनसर्व है, IDBI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, अलग अलग बैंकों से मेरे नाम पे लोन लिया गया है, मेरे ये जो पैन कार्ड आईडी है इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इनके पैन कार्ड की आईडी इस्तेमाल करके कई अलग अलग बैंकों से लोन लिया गया है, IDBI से लोन लिया गया है, बजाज फाइनेंस से लोन लिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन लिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से नहीं लिया गया है, IDBI, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस से लोन लिया गया है, और कुछ ऑनलाइन ऐप हैं उसमें से लोन लिया हो। ठीक है, एक बार पेपर दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए एप्लीकेशन कहाँ दे करके आई है ये आप? SP महोदय को दे रखी है, SP को एप्लीकेशन दे करके आए हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि पैन कार्ड डिपार्टमेंट के पास जहाँ पर पैन कार्ड बनते, क्या आपने वहाँ जा करके इस पैन कार्ड नंबर को वेरीफाई किया है? इस बारे में मैंने वहाँ जाके मैं अपना पैन कार्ड भी लेके गया था, उन्होंने अपने पार्ट में कोई कमी नहीं बताई है, उन्होंने कहा है कि आपका पैन कार्ड ही कहीं ना कहीं गलत मिसयूज किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो आपको बता देते कि सिविल के अंदर क्या निकल कर के आया है आपका? सिविल के अंदर स्कोर बिल्कुल ख़राब है, 698 है, और इसके अंदर बहुत सारी पेमेंट हैं जो ड्यू बची हुई है, जिसकी पूरी अमाउंट माने तो 1.5-2 लाख रुपए हम काउंट करते हैं, 8,000-10,000 ऐसे कर करके 6-7 लोन जो है इसके अंदर ओवर ड्यू चल रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए ये सिविल के अंदर जो आपका स्कोर है 698 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जी आपका 700 से ऊपर होना चाहिए स्कोर, 750 होना चाहिए तब आपको लोन मिल सकता है, अगर आपका 700 से नीचे है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या कुछ देख करके सिविल स्कोर डिसाइड होता है? यही देख के डिसाइड होता है कि आपके जो भी लोन चल रहा है वो सही चल रहा है, उसमें कोई ओवर ड्यू तो नहीं चल रहा है, यही है, जो ओवर ड्यू चल रहे हैं उसी वजह से मेरा सिविल खराब हो रहा है। यानी कि सिविल खराब होता तो आगे चलकर भी आपको लोन लेने में दिक्कत आती है? बैंक वालों ने डिफॉल्ट कह दिया कि जी आपका सिविल डिफॉल्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। देखिए थोड़ा सा गीला हो गया, माफी चाहूंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति और मौजूद है, अंकल जी मुझे ये बताइए कि लगभग दिन के कितने पैसे कमा लेते हैं आप? 350 रुपए। और कितना महीना हो गया यहाँ पर ये रेडी लगाते हुए? 10-12 साल हो गए। और कितने बच्चे हैं? मेरे दो लड़के हैं, एक मैं खड़े हैं। अच्छा ये खड़े हैं और खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, एक तो फ्रॉड का मामला आ रहा है कि आपके बेटे के पैन कार्ड से यूज करके किसी ने 12-13 लोन ले लिया है, क्या लगता है किसकी गड़बड़ी है? हम तो कुछ पैन लगते ना इतने पड़े हुए हैं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, हमारा तो कोई कारोबार उठता भी नहीं है, हमारे में फ्रॉड करते थे। बिल्कुल, एक कांजी बड़े की रेडी लगाने वाला आदमी जो है 250 से 300 रुपए पूरे दिन के कमाने वाला आदमी, हालांकि 12 से 13 लोन बहुत बड़ी बात है, हालांकि अगर एक लोन भी लिया जाता है ना तो कहीं ना कहीं बुद्धि सरक जाती है कि उतारा कैसे जाएगा, EMI कैसे उतर जाएगी। अब बताइए क्या कुछ एक्शन जो है आपने लिया है? बहुत बड़ा स्कैम ये नजर आने वाला है, क्योंकि कांजी बड़े की रेडी लगाने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड इस्तेमाल करके 12 से 13 लोन लिए गए हैं, वो भी अलग अलग बैंक से, क्या किसी से आपकी रंजिश है या फिर कोई साइबर कैफे के अंदर आपका कोई जानकार हो या फिर कहीं से साइबर? लगता है आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि लगभग जो है कितनी अमाउंट अभी लोन की ड्यू पड़ी आपकी जो 13 लोन लिए हुए हैं उसमें से? यानी कि ओवर ड्यू जो चल रहे हैं 1.5 से 1.75 लाख और लोन पूरा कितने का गया था टोटल? अच्छा क्या कभी ऐसा होता है कि पैन कार्ड का नंबर दो जनों का एक ही हो? अगर ऐसा होगा तो आप भी हैं, मैं भी हूँ,
ये सारे यूनिक आईडी हैं, ऐसे हर किसी के साथ। गलती किसकी मानते हैं, सरकार की मानते हैं, पैन कार्ड बनाने वाले विभाग की मानते हैं या फिर साइबर ठगी है? अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आधार कार्ड की भी बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के नाते आधार कार्ड की भी बात कही जाती है कि नंबर किसी को नहीं देना चाहिए। जब नंबर किसी के पास जाते हैं ये सब कुछ निकल जाते हैं, तो सरकार ने इस तरीके से यूनिक आईडी बनाई थी, क्यों है पैन कार्ड और आधार कार्ड की? ऑनलाइन जो ऐप चलते हैं उनके अंदर आप अपना पैन कार्ड डालते ही आपको लोन मिल जाता है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका पैन कार्ड मैं अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ऐप आपका पैन कार्ड डाल के बैंक लोन दे, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन जो ऐप चलते हैं ये सिर्फ आम आदमी को एक फीस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे ये बताइए क्या आपको याद आ रहा है कि आपने पैन कार्ड किसी को दिया हो या फिर आपने किसी अपनी कॉपी किसी को भेजी हो, फोटो स्टेट करवाई हो? नहीं, मैंने तो आज तक किसी को अपना पैन कार्ड दिया नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी। और बाई चांस अब इतनी लंबी बात हो गई तो मेरे को ध्यान भी नहीं है किसी को पैन कार्ड दिया था, और मैं अपनी आईडी किसी को क्यों दूंगा। बिल्कुल आपको अवेयर करना चाहूँगी, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी फोटो स्टेट की दुकान के ऊपर जा रहे हैं, किसी को ऑनलाइन अपना आधार कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड भेज रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत भेजिए, क्योंकि आपका वो एक नंबर जो है भारत के अंदर यूनिक आईडी से चल रहा है। अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंट किसी को माना जाता है तो पहले आधार कार्ड को माना जा रहा था और अब पैन कार्ड को माना जा रहा है, तो यानी कि ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं लीगल आइडेंटिटी है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है भारत के अंदर रहने के लिए। और ये वो नंबर है जिससे आपका पूरा का पूरा मोबाइल डाटा, अकाउंट नंबर, पूरा का पूरा अकाउंट, जो भी सब कुछ आपकी डिटेल्स है वो निकलवाई जा सके। तो इस साइबर ठगी का शिकार पवन हो चुके हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप भी साइबर ठगी के शिकार हो, क्योंकि कार्रवाई कहीं पर भी नहीं होती है। पवन जी भी जो है ठोकर खा खा के परेशान हो चुके हैं, पैन कार्ड डिपार्टमेंट के अंदर जा चुके हैं, थाने के अंदर जा चुके हैं, साइबर सेल में जा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपसे भी अपील करना चाहेगा सिटी बिग न्यूज़ की, अगर आप लोग किसी फोटो स्टेट की दुकान पर जा रहे हैं, किसी को ऑनलाइन अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड भेज रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। पवन जी तो इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिटी बिग न्यूज़ के व्यूवर्स और हिसार की जनता इसकी शिकार हो, इसीलिए ये स्पेशल खबर आपके लिए बना करके लेकर आए हैं, ये आपको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं कि पवन जो इस शिकार हो चुके हैं साइबर ठगी का, वैसा शिकार आप लोग ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि पवन के अकाउंट से जिसने भी इतनी बार लोन लिया है कहीं ना कहीं उस तक ये खबर पहुंच जाए और वो लोन लेने से चूक जाए। ये भी साक्षी तौर की रिपोर्ट सिटी बिग न्यूज़ की, रोहित सार।